नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आज की तारीख है 23 दिसंबर। इस दिन को राष्ट्र किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, वही किसान जो इन दिनों इतनी ठंड के मौसम में भी सड़कों पर बैठा हुआ गुहार लगा रहा है सरकार से कि वो उनका भला ना करे, सरकार उनके लिए कोई नया कानून मत बनाए, उन्हें बर्बाद मत करे। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन किसानों की भारत में जो दुर्दशा है उससे कोई भी अनजान नहीं है। आप हर साल खबरों में सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आप इस पर कभी भी माथा पिच्ची नहीं करते होंगे कि किसान आत्महत्या क्यों करता है, वो क्यों अपनी जान दे देता है। आप ही नहीं, कोई भी सरकार को इस बात की चिंता नहीं होती है कि किसान क्यों मर रहा है, वो सरकार राज्य की हो या फिर केंद्र में बैठी। हमारे देश की जीडीपी में 3% हिस्सा किसानों का होता है। अगर ये किसान किसानी करना छोड़ दे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, भारत भूखा मर जाएगा। किसानों की हालत पस्त क्यों है, वो अपनी जान क्यों देता है, इसका कारण आपको समझना है तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। भारत की आज़ादी के बाद सरकारी कर्मचारी से लेकर प्राइवेट संस्थान में काम करने वालों के वेतन में 160 से लेकर 220 गुना तक की वृद्धि हुई है, लेकिन किसानों की आय आज़ादी के बाद से अब तक महज 21 गुना ही बढ़ पाई है। किसानों के विकास की बात तो सभी सरकारें करती हैं, लेकिन किसानों की फसल सही दाम पर बिके इसके लिए कोई भी सरकार काम नहीं करना चाहती है। वो बस हवा में तीर चलाकर ही किसानों का विकास करती हुई नजर आती है। आज भी किसान सड़कों पर पिछले 4 महीनों से डेरा डाले आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात मानने को सरकार राजी नहीं हो रही है। ऐसा क्या है कानून में जिस पर सरकार खुश दिखाई पड़ रही है और किसानों के हित का कानून बता रही है, और वहीं किसान आग बबूला होकर इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि बात लटकी कहाँ है, कानून में पेच कैसा है और कितना घमासान क्यों है। सरकार ने कोरोना काल के समय राष्ट्रपति से 3 अध्यादेश पारित कराए जून के महीने में। आमतौर पर राष्ट्रपति से सीधे तौर पर अध्यादेश इमरजेंसी के मौके पर ही पारित कराए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त संसद सत्र नहीं चल रहा होता है। सरकार ने कृषि संशोधन कानून पारित कराने के बाद उसका खाका संसद में पेश किया, ये एक अलग विषय है। हम बात कानून की करते हैं कि असल विवाद है क्या। सरकार ने कृषि कानून में 3 नए संशोधन किए हैं। ये 3 नए कानून हैं। पहला कानून है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। इस नए कानून के मुताबिक अब कोई भी भंडारण कर सकता है। साल 1955 में भंडारण पर ये कहते हुए रोक लगाई गई थी कि भंडारण की वजह से महंगाई बढ़ रही है, सरकार के अलावा और कोई भी भंडारण नहीं कर सकता है। किसानों का मत है कि अब भंडारण के शुरू हो जाने से बड़े बड़े उद्योगपति उनकी फसलों को कम दाम पर खरीदेंगे, उसका भंडार करेंगे और फिर बाजार में जब उस चीज की कमी हो जाएगी तो महंगे महंगे दामों पर उसको बेचेंगे। किसान किसी भी अनाज का भंडारण कर नहीं सकता है, ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति ही कर सकेंगे, जिनके लिए सरकार ने ये कानून बनाया है। सरकार ने अभी तक इस कानून के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार बस यही रट लगाए है कि ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाला कानून है। दूसरा कानून है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम। इस कानून के तहत अब कंपनी और किसानों का सीधा फसल बोने से पहले ही करार हो जाया करेगा, यानी कि कोई भी फसल बोने से पहले ही कंपनी और किसान
आपस में उसके दाम का करार कर लेंगे और फिर फसल तैयार होने के बाद फसल बाजार में महंगी हो या सस्ती, लेकिन किसानों को कंपनी को उसी दाम में फसल बेचनी होगी। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साल 2012 से ही जारी है, लेकिन अब ये कानून बन गया है तो बड़े पैमाने पर होगा। इस कानून में किसानों का आरोप है कि इसमें कंपनी की ओर से बड़ा खेल खेला जाएगा। अगर बाजार में फसल की कीमत महंगी हुई तब तो कंपनियां सस्ते दामों पर करार के तहत उनसे फसल खरीदेगी, लेकिन अगर बाजार में उसी फसल का दाम सस्ता हुआ तब कंपनी बहाने कर उनसे करार रद्द कर देगी। ऐसे में उन्हें नुकसान पहुंचेगा। अपने इस नुकसान के खिलाफ वो कोर्ट कचहरी में भी नहीं जा सकेंगे। नए कानून के तहत इस करार की सुनवाई सरकारी दफ्तरों में होगी, जहां कंपनी बड़े पैसे फेंक फैसला अपने पक्ष में पा जाएंगे और किसानों को दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान होगा। सरकार इस कानून को भी किसानों के हित का ही कानून बता रही है, मगर उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तीसरा कानून सबसे ज्यादा विवादित है। तीसरा कानून है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम। इस कानून के मुताबिक अब किसान अपनी फसल मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। वो दूसरे राज्यों में फसल बेचे या किसी दुकान पर, ये कानून दिखने में तो सबसे अच्छा लगता है, लेकिन किसानों को यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत है। अभी तक सरकार हर फसल की एक MSP तय करती थी, जिस पर सरकार खरीद करती थी। किसानों पर निर्भर रहता था कि वो मंडी में फसल बेचे या फिर बाहर बेच दे। अब किसानों का कहना है कि इससे सरकारी मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सरकारी MSP पर खरीद नहीं होगी, सरकार MSP पर एक अलग कानून बना दे। सरकार का कहना है कि वो MSP को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि बिचौलिया व्यापारियों को किनारे कर रही है। किसान इससे आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकारी MSP पर महज 6% ही फसल मंडी में बिक पाती थी, लेकिन किसान इसी MSP और सरकारी मंडी पर एक विशेष कानून चाह रहे हैं, जिसे सरकार नकार रही है। ये तीन कानून हैं जिस पर विवाद जारी है। कई बार किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी तरह का समाधान नहीं निकल सका है। किसानों का आंदोलन कितना लंबा खिंचेगा और कब और किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, इसका इंतजार हो रहा है। किसानों ने इस पूरे आंदोलन को आर पार की लड़ाई के तहत जारी रखने का ऐलान कर दिया है। वो एक लंबे आंदोलन की तैयारी करके बैठे हैं। वहीं सरकार जल्द से जल्द किसानों के आंदोलन को खत्म करने की कोशिशों में जुटी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कर लीजिए।